हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। एंड आई एम प्रेजेंट हियर विद सम सब टॉपिक ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। Through this video, we will learn about types of fraction, and we will learn about addition of fractions. दो चीज सीखेंगे। पहले तो types of fractions देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है, मतलब उसका अलग अलग तरह से अलग अलग उसका नाम है, वो सीखेंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन सेकेंड इज, अच्छा पहले इसको बताते हैं क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते किसको, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन, इन अ गिवन फ्रैक्शन, दैट्स वी कैन से दैट दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने क्या बोला, मैं इसको समझा देता हूँ। पहले कुछ एग्जांपल लिखते हैं। क्या मैंने बोला, प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर is called proper fraction. When numerator is less than denominator is called proper fraction. मैं इसको समझा देता हूँ। मैंने लिखा है कि अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ, अगर एक फ्रैक्शन नंबर मिला, ऑलरेडी आई टोल्ड एंड ऑलरेडी आई टॉक इन अ फ्रैक्शन नंबर कंसिस्टिंग टू पार्ट, फर्स्ट अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, 5 by 7, मैंने 5 by 7 लिखा है। यू कैन सी दैट इन दिस गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। वही मैंने यहाँ लिखा है, इवन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब जब फ्रैक्शन दिया गया और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से लिखते हैं। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये लेस देन का साइन है ना। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही मैंने लिखा, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाउ इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज in a fraction numerator is greater than denominator in a fraction the fraction mein numerator is greater than denominator is called improper fraction. Improper fraction. Improper fraction. क्या मैंने लिखा? Improper fraction जो है वो proper का just opposite होता है. Proper में numerator is less than denominator. In improper अब मैं example लिखता हूँ. मैंने लिखा है numerator is greater than denominator. 8 by 5. You can see that in this given fraction 8 by 5, 8 is greater than 5. Numerator बड़ा है, denominator छोटा है. तो ये क्या हो गया? ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. When numerator is greater than denominator. When numerator is greater than denominator means what? What? Improper fraction. Improper fraction. Okay? अब देखिए इसको हम ये तो मैंने डेफिनेशन के साथ बता दिया. आप कुछ बगैर डेफिनेशन के मैं बताऊं. इसको देखिए इस तरह से समझिए. नंबर वन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. इक्वल टू व्हाट? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. नंबर टू, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इक्वल टू व्हाट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Improper fraction. अब इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं. एग्जाम्पल 5 by 7. एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8 by 7. 8 by 7 दिस इज टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन.
और मेंशन नंबर अभी आप लोग ये नहीं पढ़ना है, ये आप लोग को अभी बाद में समझाया जाएगा जब आपको आई एम एस में आए। अभी पहले छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर रिलेशन डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इंप्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन अब एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? थर्ड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शन इफ गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज वन, इन अ गिवन फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर इज वन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जब कोई गिवन फ्रैक्शन दिया गया है और उसका न्यूमरेटर वन हो उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे व्हेन न्यूमरेटर इज वन इन गिवन फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन नंबर दिया गया, तो अगर उसका न्यूमरेटर वन हो दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, इन गिवन फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज वन, अगर न्यूमरेटर वन हो तो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/3, दी ऑल आर यूनिट फ्रैक्शन। व्हाई? सबका न्यूमरेटर देखिए 1 1 है, सबका न्यूमरेटर 1 1 है ना, दी ऑल आर यूनिट फ्रैक्शन। सेट नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अब लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? इन अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन मीन द सॉरी इन अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। इन अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन अ लिसन केयरफुली इन अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर ग्रुप एक फ्रैक्शन का ग्रुप दिया हुआ है, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट गिवन फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। अगर सबका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/7, 3/7, 9/7, 4/7, 2/7, 1/7, okay. So you can see that I have written these all are group of fractions, and you can see that also the in this given fraction denominator are same. Sabka denominator same na? 5/7, 3/7, 9/7, 4/7, 2/7, 1/7. In the all fractions having same denominator, that's we can say that they all are like fraction. ये like fraction है, सबका denominator same रहेगा तो like fraction। लेकिन अगर in a group of fraction the having different denominators, that then we can say that unlike fraction, unlike fraction। ये हो गया। अब एक और समझाते हैं unlike fraction। Unlike fractions, unlike fractions किसको बोलते हैं? इसी तरह का दिया गया है group of fractions having different denominators। अगर group of कुछ fractions number है, सबका denominator अगर अलग अलग है, तो we can say that
we can say that unlike fraction. We can say that unlike fraction. For example, 5/9, 4/7, 3/4, 2/11, 3/14, like this. अब आप देख सकते हैं सब का डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना. 5/9, 4/7, 3/4, 2/11, 3/14. सबका डिनोमिनेटर क्या है? सबका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? निचले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. You can see that in this given group of fractions having different denominators, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो we all are unlike fraction. क्या बोलते हैं उसको? अनलाइक. लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब अलग. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड ऑल ऑफ यू विल डू दिस ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थ्रू सम प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस टू लर्न प्रॉपरली. थैंक यू.